नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी इलेक्शन न्यूज पर। जी हां साथियों, मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त बहुत ही बड़ी ताजा खबरें निकल कर सामने आई हैं। कमलनाथ को कमजोर कर पाएगी भाजपा सरकार। जी हां साथियों, गृह मंत्री अमित शाह की छिंदवाड़ा दौरे के क्या है मायने। हाँ साथियों, इन सभी खबरों को जानने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरे द्वारा डाली गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल सके। हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में के पहले भाजपा के सक्रिय नजर रख रही है। जी हां साथियों, केंद्रीय मंत्री अमित शाह खुद मध्य प्रदेश के पहुंचे और कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। उन्होंने छिंदवाड़ा की आम सभा और आदिवासियों को दलितों का मुद्दा बनाया। कांग्रेस के मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष कमलनाथ के 5 दशकों तक गढ़ रहे छिंदवाड़ा में आम सभा करके अमित शाह ने उन्हें घेरने का प्रयास किया। हाँ तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि अमित शाह ने इस साल के अंत में होने वाले मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में मतदान कर लोगों से राज्य और केंद्र में फिर से भाजपा की सरकार बनाने का आह्वान किया है। जी हां साथियों, और छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ है। जी हां साथियों, मध्य प्रदेश के कांग्रेस के कद्दावर नेता कमलनाथ जी का गढ़ छिंदवाड़ा से बहुत ही बड़ी ताजा खबर निकल के सामने आई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पहली दफा छिंदवाड़ा से 1990 में लोकसभा के लिए चुने गए और 1997 उपचुनाव में उनकी एकमात्र पराजय के साथ उन्होंने कई दफा इस लोकसभा सीट में विजय प्राप्त की। जी हां साथियों, अगर आप जिस भी सरकार को या कांग्रेस को या बीजेपी को सपोर्ट करते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। जी हां साथियों, वीडियो अच्छी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।